नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 20 खबरों में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ईडी ने सांपों के जहर सप्लाई मामले में इलविश यादव और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले नोएडा पुलिस ने इलविश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उड़ीसा के पुरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार सुचिरता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यहां बीजेपी की ओर से संबित पात्रा उम्मीदवार है। उड़ीसा के पुरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार सुचिरता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यहां बीजेपी की ओर से संबित पात्रा उम्मीदवार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में गिरफ्तार आरोपी अरुण रेड्डी को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कल यानी शुक्रवार को रेड्डी को अरेस्ट किया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस अपने अंत की ओर बढ़ रही है, वह वैचारिक दिवालियापन का सामना कर रही है। वेस्ट दिल्ली सीट से आप नेता महाबल मिश्रा आज पर्चा भरेंगे। महाबल मिश्रा के खिलाफ भाजपा ने पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत को उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका गांधी आज गुजरात और कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका गुजरात के बनासकांठा और कर्नाटक के दावणगेरे और हावेरी में चुनाव रैली को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 राज्यों में चुनावी रैली करेंगे, वहीं यूपी के कानपुर में रोड शो करेंगे। जिन राज्यों में पीएम मोदी की रैली होने वाली है उनमें झारखंड में 2 और बिहार में 1 रैली शामिल है। बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन बस के वडाला हेडक्वार्टर में एक धमकी भरा ईमेल आया, जिसमें एक बस में बम होने की बात कही गई है। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर बेटा और पिता आमने सामने आ चुके हैं। गजानन कीर्तिकर ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव में अपने पुत्र के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए शिंदे सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब डीप फेक वीडियो मामले की जांच सीआईडी करेगी। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आदिवासी बहुल इलाके में 2 लोगों को काला जादू करने के संदेह में जिंदा जला दिया गया। महाराष्ट्र के अकोला जिले में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। विधान परिषद के सदस्य किरण सरनाइक के परिवार की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में विधायक किरण सरनाइक के परिवार के सदस्यों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि वह भारतीय न्याय संहिता के गलत इस्तेमाल से बचने के लिए इसकी धारा 85 और 86 में जरूरी बदलाव करने पर विचार करे। इस सप्ताह कच्चे तेल के भाव में तेज और लगातार गिरावट देखने को मिली। इसी तरह कच्चे तेल के भाव में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट आई। आशुतोष राणा और विजय राज के जबरदस्त अभिनय से सजी मर्डर इन माहिम की ओटीटी रिलीज डेट आ गई है। सस्पेंस और थ्रिलर से भरी ये फिल्म सीधे ओटीटी पर ही आएगी। बड़े मियां छोटी मियां और मैदान को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। वही ये दोनों फिल्में अभी तक अपनी आधी लागत भी नहीं वसूल पाई है। प्रभास की कल्कि 2898 एडी को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे दिग्गज कलाकार काम करते नजर आने वाले हैं। वही दीपिका पादुकोण को भी अहम रोल होने वाला है। लाफ्टर क्वीन भारती से फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने खुद अपने ब्लॉग के जरिए सभी के साथ सीधी बात शेयर की है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारती पेट दर्द से जूझ रही थी। ऐसी टॉप 20 खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे एनबीसी न्यूज़। धन्यवाद।